द शेपर्ड्स ट्रेजर, गडीरिया का खजाना, लेट अस बिगिन, चलो हम शुरू करेंगे। ए पोअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान, एक निर्धन गरीब गडीरिया ईरान देश में रहता था। दो अनएजुकेटेड, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं था, ही वॉज वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान था और हेल्पफुल भी था, मदद करने वाला भी था, सहायता करने वाला भी था। एक तो बुद्धिमान भी था और सहायता भी करता था। द किंग डिसाइडेड, राजा ने फैसला लिया, टू मीट हिम इन डिसगाइज, डिसगाइज मीन्स वेश बदल कर, वेश बदल कर राजा उससे मिलने का निश्चय कर चुका था। इन ए विलेज इन ईरान, ईरान के एक गांव में, देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड, एक गडेरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही निर्धन था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज, उसकी अपनी झोंपड़ी छोटी सी भी नहीं थी अपनी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल भी नहीं गया, और लर्न टू रीड एंड राइट, ना वहाँ जब स्कूल ही नहीं गया, न पढ़ना सीखा न लिखना। फॉर देयर वेयर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, उन दिनों कम ही स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर, अगरचि वो बिल्कुल ही निर्धन था, अनएजुकेटेड और ना पढ़ा लिखा था, जिस शेफर्ड बॉय वॉज वेरी वाइज, ये गडेरिया लड़का बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज, वो समझता था लोगों के दुख दर्द एंड ट्रबल्स, एंड हेल्पड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी सहायता करता था, अपने समाधान समस्याओं का हल वो निकाल सकते थे। विद करेज, हिम्मत से, एंड कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस यानी जो अकल है उसका प्रयोग करके ही वो उन समस्याओं का समाधान निकालते थे। मनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग उसकी नसीहत सुनने के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर विजडम, जल्दी ही वो मशहूर हो गया, विख्यात हो गया अपनी बुद्धिमानी के लिए। एंड फ्रेंडली नेचर, और मित्रता का स्वभाव रखते हुए वो बहुत ही मशहूर हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री, और जो राजा था उस देश का, हर्ड अबाउट हिम, उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और सोचा कि मैं उससे मिलूं। डिसगाइज्ड एज अ शेफर्ड, और वेश बदल कर एक गडेरिया ही, एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, एक खच्चर पर, म्यूल मीन्स खच्चर, चढ़ते हुए। वन डे द किंग केम टू द केव, एक बार राजा आया गुफा के पास, वेयर द शेफर्ड बॉय लिव्ड, जहाँ पर एक गडेरिया रहता था। एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर, जो ही इस शेफर्ड ने इस राहगीर को, ट्रैवलर मीन्स सफ़र करने वाला, ट्रैवलर राहगीर को देखा, कमिंग टुवर्ड्स द केव, गुफा की ओर आते हुए, ही रोज टू हिज वेलकम, उसकी स्वागत में, उसके आगमन में वो खड़ा हो गया। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, उसने इस थके हुए मुसाफिर, ये राहगीर को अपनी गुफा में लिया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसको दिया पानी पीने को, एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और हिस्सा भी दिया, जो वो खाना खाता था थोड़ा सा उसको भी खिलाया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, और राजा रेस्ट कर गया, आराम कर गया इस गुफा में रात को। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, बहुत ही मुतासर हो गया बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी, इसकी जो मेहमान नवाजी थी, शेफर्ड की हॉस्पिटलिटी मीन्स मेहमान नवाजी, तो एंड वाइज कन्वर्सेशन, और बुद्धिमानी की बातें करते हुए ये किंग, ये राजा जो वेश बदल कर गया था, बहुत ही इम्प्रेस हो गया उसके इस वातावरण से। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग, द शेफर्ड वॉज, और शेफर्ड समझ गया कि ये जो विजिटर था ये राजा ही था और कोई नहीं था। द किंग मेड द वाइज
शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने इस बुद्धिमान शेफर्ड को छोटे से जिले का गवर्नर बनाया। अदर गवर्नर्स और दूसरे जो गवर्नर थे बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर। वो नफरत से भर गए नए गवर्नर के विरुद्ध एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको ईमानदार नहीं बोला, यानी उसको बुलाने लगा वो बेईमान है। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदार, डिसऑनेस्टी मीन्स जो ईमानदार ना हो। दो सिटल टायर्ड, अभी भी थका हुआ, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने फैसला लिया वो अगली सुबह को जाएगा, डिपार्ट करेगा। जो आगमन होता है उसको अराइवल बोलते हैं, जब जाते हैं तो उसको डिपार्चर बोलते हैं। तो यहाँ छोटे में आया डिपार्ट, यानी फैसला लिया उसने कि अगले दिन मैं जाऊँगा। ही सेट, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर यू। ये बच्चों यूनाइटेड कामाज में हैं, दीज आर स्पोकन वर्ड्स, ये कहे हुए शब्द है, तो इनको आप ध्यान से देखो। मैनी थैंक्स टू योर काइंडनेस, आपकी मेहरबानी की बहुत थैंक्स करते हैं, धन्यवाद। तो ए पुअर ट्रैवलर, एक गरीब मुसाफिर को, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है, परमिट मी टू लीव, मुझे जाने दो, इजाज़त दो जाने के लिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ द गेस्ट, और सीधा अपनी आँखों के माध्यम से इस मेहमान के आँखों में देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने आवाज़ दे दी, थैंक यू, इस गडेरिया ने बोला, आपका धन्यवाद, योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द विजिट, क्या आपने एक अच्छा विजिट किया मेरे इस झोपड़ी में, मैं आपके लिए कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स कर रहा हूँ। द किंग वॉज एस्टैनिश्ड, राजा हैरान हो गया, एज वेल एज प्लीज्ड, और खुश भी हो गया। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट हिमसेल्फ, उसने अपने आप से, मैं सोचा, I need people like him to work for me, मुझे ऐसा ही इंसान जो मेरे लिए काम करे, ऐसे इंसानों की आवश्यकता है। And the king appointed him the humble shepherd, और राजा ने अपॉइंट किया इस शेफर्ड को गडेरिया गवर्नर, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त किया। अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना, नियुक्त किया, अपॉइंटमेंट नियुक्त करना, अपॉइंटमेंट नियुक्त किया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, अगर वो अपने इज्जत के बल पर बहुत ही ऊंचा उठा, तो शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल, लेकिन ये शेफर्ड वैसा ही स्वभाव रखता था जैसे पहले। एज एवर पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, लोग उसको प्यार करते थे, उसकी इज्जत करते थे, फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमान के लिए, सिंपथी दया के लिए, एंड गुडनेस और अच्छाई के लिए। तीन वर्ड्स है बच्चों, विजडम बुद्धिमानी, सिंपथी दया, एंड गुडनेस अच्छाई। ही वॉज काइंड, वो बहुत ही दयालु था, एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, हर एक के लिए। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज, उसकी जो मशहूरी थी बुद्धिमानी के, गवर्नर सोन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में फैल गई उसकी बुद्धिमानी, उसकी वाइजनेस, उसकी ये बिल्कुल ही जो वो अच्छाइयाँ थी उसकी, वो सारे के सारे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रेव टेरिबली जीलियस ऑफ हिम, आप जो गवर्नर थे बाकी प्रोविंसों को, जैसे जम्मू प्रोविंस है, कश्मीर प्रोविंस है, उसी को प्रोविंस एक राज्य के एक हिस्से के तौर पर, बहुत ही उससे नफरत करने लगे, जुल्म, उनको जलन हो रही थी। जीलस मीन्स जलन होना, जीलियस जलन होना। एंड बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा को उसके विरुद्ध बातें करने लगे, उसको कान भरते रहे राजा को। दे सेड इज़ वेरी डिसऑनेस्टी, उन्होंने कहा वो बहुत ही ईमानदार नहीं है।
एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, कुछ हिस्सा रखता था पैसों का, दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो वो लोगों से टैक्स के रूप में प्राप्त करता है टैक्स को, वो उसमें से पैसा रखता है। यानी बहुत यूं ही बोला झूठ। व्हाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वो क्यों अपने साथ लेता है, दे व्हाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वो क्यों अपने साथ लेता है, दे एडिट एन आयरन चेस्ट, एक लोहे का बक्सा, परपस ही कैरीड इट इन द ट्रेजर, वो उसको खजाने से लेता है, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने छुपे छुपे जमा किया, आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, यानी उसको राजा को अपने वश में करने के तरीके को बताते हुए, ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड, वो एक सीधा साधा गडेरिया है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और उसका जो वातावरण है वो अच्छा नहीं होगा। देन द गवर्नर वॉज कॉल्ड रिपल पैलेस, फिर इस गवर्नर को, नए गवर्नर को इस महल खाने में बुलाया गया, ही वॉज ऑर्डर्ड, उसको हुक्म दिया गया टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड आउट द आयरन चेस्ट, ये नए गवर्नर को जो बुलवा भेजा गया और उसको हुक्म दिया गया, निर्देश दिया गया कि वो आयरन चेस्ट को क्यों अपने साथ लिए जा रहा था, व्हाट डिड द चेस्ट कंटेन, इस चेस्ट, इस बॉक्स में जो लोहे का है आप इसमें क्या रखते हो। एट फर्स्ट, पहले द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, पहले राजा ने इन रिपोर्ट्स की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, कितनी देर तक वो इन गवर्नर को अवॉइड करता, एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और उनकी ना खत्म होली, ख़त्म होने वाली, एंडलेस अबाउट द शेफर्ड, इस गडेरे के बारे में जो वो ना अंत होने वाली कहानियाँ बताती थी। वन थिंग वॉज सर्टन, एक बिल्कुल सही बात थी, द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा ने दरियाफ्त किया था, न्यू गवर्नर डिड कैरी, कि नया गवर्नर लेता था इस आयरन चेस्ट को, इस लोहे बॉक्स को विद हिम ऑल द टाइम, अपने साथ हर समय। बस सर।